दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोफोन के बारे में, जिसे हम शॉर्टकट में माइक भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि माइक्रोफोन क्या होती है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था और माइक्रोफोन के अंदर कौन कौन से क्वालिटी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रोफोन, जिसको हम शॉर्टकट में माइक भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। जो माइक्रोफोन है उसका आविष्कार इमाइल बर्लाइनर ने 1877 में किया था, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल बर्लाइनर ने सन 1877 में किया था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, माइक्रोफोन जो होती है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि आपके साउंड को, जब हम उस पर साउंड देते हैं तो उस साउंड को डिजिटल डेटा के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जो हमारी जो साउंड होती है उसको डिजिटल डेटा के रूप में, डिजिटल डेटा के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। जब भी हम अपना साउंड निकालते हैं या हम माइक्रोफोन के सामने कुछ बोलते हैं तो हमारी जो साउंड है उस साउंड को कंप्यूटर में डिजिटल डेटा के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए, माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए हमको एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है साउंड कार्ड। हम अपने कंप्यूटर में साउंड कार्ड में माइक्रोफोन का, माइक्रोफोन को लगाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन को अगर अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है तो हमको एक हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है साउंड कार्ड, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे माइक्रोफोन आ गए हैं जो आपको बिना टाइप किए या आप जब भी बोल देते हैं तो आपके बोलने से वो ऑटोमेटिक ही टाइप हो जाते हैं। तो उसे, इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इस तकनीक को कहा जाता है वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगर हम अपना साउंड माइक्रोफोन के सामने बोल देंगे तो ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर पर टाइप हो जाती है, हमें उसे टाइप करने की जरूरत नहीं होती। तो आजकल ऐसे टेक्निक का आविष्कार किया गया है जिसमें हमको टाइप करने की जरूरत नहीं होती, हम जब भी अपन उस माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो ऑटोमेटिक ही टाइप हो जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में कई प्रकार के माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा वायरलेस माइक्रोफोन भी आता है, जिसमें हमको उस माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये पूर्ण रूप से वायरलेस होती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए और आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।